तो ये गाइस स्वागत है आप सभी लोगों का आज एक बिल्कुल नए बिजनेस आइडिया में, जिसमें हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं कि आप कुरकुरे कैसे बना सकते हैं, रिंग्स कैसे बना सकते हैं, पफ कैसे बना सकते हैं और इससे अच्छा खासा अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो आज हम इसी मशीन के बारे में जानने वाले हैं। तो मेनली जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं ना, वो है रिंग्स बनाने का मशीन। मतलब अगर आज के डेट में हम बात करते हैं ना, तो रिंग्स एक ऐसा प्रोडक्ट है भाई जो बच्चे लोग में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है और हर बच्चा भाई इसे पसंद करता है। तो अभी आपके भी माइंड में आ रहा होगा भाई कि हम रिंग्स बनाकर कैसे अर्निंग करें, रिंग्स का प्लांट अगर हमको लगाना है तो कैसे लगाएं, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, सारा चीज़ जानने वाले हैं। तो आपको करना क्या है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, ताकि हम आपको ये भी दिखा सकें कि रिंग्स बनाना कैसे है और आपको ये भी बता सकें कि आपको प्रोडक्ट मिलेगा कहाँ से, आपको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, आपको मशीन कहाँ से मिलेगा और आपको ऑर्डर कैसे करना है। चलिए सबसे पहले आपके स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहा होगा उसमें आपको दिखा दें कि सबसे पहला जो इसका रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल को आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है या फिर आप चाहो तो भाई इसे घर में भी बनवा सकते हैं। ये होता कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एक मक्के की आप बोल सकते हैं कि पिसा हुआ हल्का दलदला किया हुआ रहता है और इसी से बनता है। तो रॉ मटेरियल आपको ले लेना है और रॉ मटेरियल लेने के बाद जो इसका फर्स्ट प्रोसेस हो जाता है ना, आपको जो हॉपर मिलता है यानी कि जो मशीन आपके सामने में दिख रहा है उसके हॉपर में डालना होता है और डालने के बाद इसको स्टार्ट कर लेना है। बस बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है भाई। अगर आप चाहो तो आप भी यहाँ कंपनी में आ सकते हैं, अपने हाथों से बना सकते हैं, लाइव डेमो ले सकते हैं, इसके बाद आप चाहो तो मशीन को ऑर्डर कर सकते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है, वो हमने जो भी मटेरियल था, हमारा जो रॉ मटेरियल था, हमने हॉपर में डाल दिया है और हॉपर में डालने के बाद कुछ इस टाइप से ये वर्क करता है और फिर बन के आपके सामने निकलने लगेगा। जैसे ही हॉपर में डालते हैं तो हॉपर का एक आपको पतला नली सा दिख रहा होगा जो कि डायरेक्टली मशीन में जाता है और कुछ इस टाइप से मशीन में आपका जाते रहता है मटेरियल और यहाँ से वो घूमते घूमते भाई पूरा गोला 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 बनकर निकलते जाता है। चलिए हम वो भी देख लेते हैं कि कैसे वर्क करता है, कैसे बन के निकलता है। जस्ट आपके बगल में आपको दिख रहा होगा कि ये कंप्लीट रेडी होकर कुछ स्टेप से बन के निकलता है। और जब रिंग्स बन जाता है ना, तो उससे हम क्या करते हैं भाई कि कोई भी आप मटेरियल रख लो या प्लास्टिक में रख लो या फिर कोई बर्तन आप रख लो, उसमें हम लोग डालते हैं और डालकर यहाँ से ले जाते हैं इसे भाई रोस्ट करने के लिए। अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई जो रिंग्स होता है उसे फ्राई किया हुआ रहता है, लेकिन हम आपको बता दें भाई रिंग्स फ्राई नहीं किया हुआ रहता है या फिर अगर कुरकुरे भी है तो फ्राई नहीं किया हुआ रहता है, उसे रोस्ट किया जाता है। मतलब एक बिल्कुल आपको यहाँ पर रोस्टर मशीन मिल जाता है जिसमें भाई आपको भट्टी लगा हुआ रहता है, वो भी इलेक्ट्रिक वाला लगा हुआ रहता है, उसी में हम लोग डालते हैं। ये आपको सामने में दिख भी रहा होगा, काफ़ी सारा कंट्रोलर यहाँ पर होता है। इसे कंट्रोल कैसे करते हैं, इसे एक टेम्परेचर पर सेट कर लेते हैं, अप्रोक्स 215-220 के आसपास आप सेट कर सकते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप कितना मटेरियल उसमें डालने वाले हैं, कितना माल डालने वाले हैं, उसके हिसाब से हम सेट कर लेते हैं। और सेट करने के बाद ये रोस्ट होकर निकलता है, मतलब जो मशीन में कम्प्लीटली माल रेडी हुआ इसमें हल्का फुल्का नमी रह जाता है। ये बिल्कुल एक कच्चा मटेरियल है, मतलब इसको खाया नहीं जा सकता है भाई। तो इसको खाने लायक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रोस्टर मशीन में डालेंगे। और अभी आपके सामने दिख भी रहा होगा, रोस्टर मशीन में जब हम डालते हैं तो ये डायरेक्टली आपका जो काफ़ी लंबा सा आपको दिख रहा है मशीन, इसमें जाते हैं और अप्रॉक्स 1 से 2 मिनट के बीच में ही आपका बन बन के रेडी होने लगता है। आपको सामने दिख रहा है भाई, देख रहे होंगे ये पतला सा नली होता है जिसके अंदर में आपको मोटर लगा हुआ है नीचे में, जिससे ये राउंड होते रहे ताकि जो आपका मटेरियल है वो जले नहीं और ये दूसरे साइड में कम्प्लीटली रेडी होकर निकलेगा। और अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ना, जो कि ये कम्प्लीटली रेडी होके मतलब खाने लायक होके रेडी निकल जाता है, ये कम्प्लीटली रोस्ट होके बड़ा बड़ा साइज में होके निकल जाता है। मतलब एक नॉर्मल रिंग्स का जो साइज होता है ना, उस साइज में निकलने लगता है। इसे आप हाथ में लेके भी जब इसे दबाते हैं भाई, तो आपको समझ में आता है ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाता है, बिल्कुल भाई एकदम क्रंची हो जाता है और जीरो ऑयल जो बोलते हैं ना भाई, बिल्कुल जीरो ऑयल होता है। मतलब इसमें तेल थोड़ा सा भी नहीं लगता है, जो कम्प्लीट है आपका रोस्टर मशीन में गया, रोस्ट हुआ, दूसरे साइड में निकल गया।
और जब ये कम्प्लीटली रोस्ट होकर निकल जाता है तो हमें क्या करना है कि एक बर्तन में रख लेते हैं या फिर प्लास्टिक में, जैसे ही आपको सही लगता है आप इसे अलग कर लेते हैं। और अलग करने के बाद इसमें हम लोग फ्लेवर मिक्स करेंगे। फ्लेवर मिक्स करेंगे इन द सेंस कि भाई इसमें मसाला डालेंगे, क्योंकि जब तक मसाला नहीं डालेंगे ना इसे हम खा नहीं सकते हैं। ये मतलब बिना टेस्ट का ऐसे ही आपको लगेगा। तो मसाला मिलाने के लिए, लोगों को भाई डिमांड बढ़ाने के लिए हम लोग इसमें तरह तरह के मसाला डालते हैं। जो भी आपको इसमें फ्लेवर वगैरह डालना है आप इसमें मिला सकते हैं। और इसके लिए क्या करना होता है भाई कि इसके लिए भी एक मिक्सर मशीन होता है जो कि दो अलग अलग शेप में आता है। एक तो आपको जो वीडियो में दिख रहा है ये सर्कल शेप में है, एक दूसरा आता है जो फर्स्ट में मैंने आपको मिक्सर मशीन दिखाया था उस शेप में मिलता है। मतलब दोनों शेप अवेलेबल है, जो भी आपको सही लगता है आप ले सकते हैं। रेक्टेंगल में चाहे तो रेक्टेंगल में लेके जा सकते हैं, सर्कल में चाहे सर्कल में लेके जा सकते हैं, दोनों में आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाता है। इसके बाद हम इसमें कम्प्लीटली फ्लेवर मिक्स कर देते हैं, फिर आप पैकेज करके बेच सकते हैं। और मैंने आपको काफ़ी सारे वीडियो में दिखाया भी है भाई। इसके पहले अगर हम कुरकुरे वाली वीडियो की बात करते हैं तो कुरकुरे वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि पैकेजिंग मशीन भी आपको यहीं पे मिल जाएगा और कम्प्लीट आपको सेटअप मिल जाता है। मतलब मिक्सर मशीन, पफ बनाने का मशीन, आपको कुरकुरे बनाने का मशीन, रिंग्स बनाने का मशीन, ये 2-in-1 मशीन होता है। दोनों चीज़ आपका एक ही मशीन में बन जाते हैं, बस अलग अलग डाई लगते हैं और ये बन जाते हैं। इसके बाद अगर आपको चाहिए भाई सिंगल सिर्फ चाहिए कि आपको रिंग्स बनाने का मशीन चाहिए, वो भी अवेलेबल हो जाएगा। आपको सिंगल चाहिए सिर्फ कुरकुरे बनाने का मशीन तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा। इसी के साथ भाई कंप्लीट आपको एक प्लांट बैठाना है तो वो भी अवेलेबल हो जाता है। मशीन ऑर्डर करने के लिए आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं भाई रॉयल फूड एंड प्रोसेसिंग को। ऑन स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, जानकारी लीजिए। बाकी आई होप कि हमने जो छोटी जानकारी आपको बताई आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।